नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज के सबसे बड़े डेटा के बारे में। देखिए, आज दो चीजों का मुझे बेसब्री से इंतजार था, एक अपना FIDIs का डेटा और दूसरा भारत का इन्फ्लेशन डेटा। तो इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है, कैसा रहा है इन्फ्लेशन डेटा, एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। रिसेंटली अमेरिका की तरफ से तो सब कुछ अच्छा आया है, चाहे उनकी तरफ से GDP का आंकड़ा हो, जॉबलेस क्लेम डेटा हो या जॉब्स डेटा हो, आया सब कुछ अच्छा, केवल रेट कट के लिहाज से है। एज अ यूएस इकोनॉमी खराब था, लेकिन वो बाजार पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि उन्हें रेट कट करना है। अब भारत का इन्फ्लेशन डेटा कैसा आता हुआ दिखाए मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में। देखिए, सिंपल और सरल भाषा में बताऊं तो डेटा मतलब कुछ आया ही नहीं है, आप ये कह सकते हो फ्लैट हो गया बिल्कुल, अनुमान से 3 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है। बट अगर आप कंपेयर करें इसे YOY बेसिस पे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉर एग्जांपल 4.85% के सामने 4.83% का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखाया आपका, और अनुमान था 4.8% का। अब इससे क्या संकेत लिए जाए, क्या समझा जाए? तो देखो, महंगाई हल्की सी बढ़ी है ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि महंगाई अगर आप कंपेयर करें तो 4.85% के सामने 4.83% पे आई है, तो महंगाई तो कमी हुई है, लेकिन अनुमान से 3 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। तो मैं ऐसे कहूंगा इनलाइन, इसे बिल्कुल अवॉइडेबल करना चाहिए डेटा को, आप ये समझ लो डेटा आया ही नहीं। लेकिन इसमें कुछ हिडन चीजें हैं, वो आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बना रहा हूं। तो अब सबसे पहले तो देखो, इन्फ्लेशन ऊपर आएगा आपका, लेकिन आएगा इलेक्शंस के बाद, ये मैंने पहले भी कहा था। आपके लिए सरकार ने इस समय सारी चीजें सस्ती करी हुई हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। सबसे बड़ा पैसा इस समय पता है किसका खर्च हो रहा है? सरकार का। अब वही महंगा खर्च करेंगे तो क्या फायदा, उन्होंने अपने लिए सबसे सब कुछ सस्ता करवा लिया। आपका पेट्रोल डीजल के दाम करंट लेवल पे आपने देखा था 2 रुपए प्रति शेयर डायरेक्ट ऑल ओवर इंडिया कम हुए थे, लेकिन कच्चे तेल के दाम में कोई गिरावट नहीं थी। तो जैसे ही इलेक्शंस का नतीजा आएगा, सबसे पहले तो ये बढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सरकार इस समय चावल के ऊपर भी बैन कर रही है, ऊपर लिमिटेशन लगा दी है एक्सपोर्ट करने पे, तो बाहर ज्यादा नहीं बेच पा रहे हैं, देश में ही बेच रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस काबू में है। चीनी को लेकर भी एक्सपोर्ट पे लिमिट है, जिसकी वजह से प्राइजेस काबू में है। जैसे ही रिजल्ट कंप्लीट होंगे, ये 3 सेगमेंट में अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि भारत पे दिक्कत दिखाएगा, महंगाई बढ़कर आएगी, क्योंकि घर का खर्चा कम नहीं हो रहा है भाई साहब, वो बढ़ रहा है। डेटा केवल ऐसा आता है कि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका खर्चा टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन असली में तो है, डेटा में नहीं है, बस ये सारा चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। वन मोर थिंग जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है इस समय, कि आपका ये जो इलेक्शंस का मामला है, इलेक्शंस के बाद जो डेटा, जो महंगाई बढ़ेगी, उसमें आप इसको हेज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है चीनी पे कर्ब हटेंगे तो फिर आप चीनी के शेयर्स उठा सकते हो, आपको लगता है चावल तो आपको चावल के उठाने चाहिए। चीनी में तो मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है बहुत सारी कंपनी से, लेकिन चावल में आपके लिए केवल 2-3 स्टॉक हैं जो काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो उन पे आप फोकस कर सकते हो। ओवरऑल ये डेटा देखा जाए तो मार्केट बाजार इस पे ना पॉजिटिव रिएक्शन देगा ना नेगेटिव रिएक्शन देगा, मेरे को लगता है बाजार इसे टोटली अवॉइड कर देगा। बाजार इस समय केवल एक ही चीज पे रिएक्शन देने के लिए तैयार है, वो है डेटा FIIs का। आज का क्या आएगा वो देखने वाली बात है, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। बट ये इन्फ्लेशन का डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट रह गया ना, मजा ही नहीं आया। यही होता 4.7% तो खुशी मिलती, 4.5% पे आता तो फिर कहते हैं भाई साहब गिरावट आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट डेटा आ गया, तो मेरे को लगता है इसे बाजार बिल्कुल अवॉइड कर देगा। और इस समय मार्केट में कुछ कोई चाहता भी नहीं कुछ हो, बाजार अपने आप क्लोजली वॉच कर रहा है इलेक्शंस को, वोटिंग को और FIIs की सेलिंग को और रिटेल सेंटीमेंट को, इन 4-5 चीजों पे बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है। विक्स 21 पे पहुंच गया है, लाइफ ऑलमोस्ट मल्टी मंथ हाई पे है, लाइफ हाई तो नहीं मल्टी मंथ हाई पे है, 14-15% एक एक दिन में मूव दे रहा है, तो और क्या आप लोगे, वॉलेटिलिटी इससे ज्यादा काम मिलेगी, नीचे से 300 पॉइंट की रिकवरी है, तो बाजार इस समय ट्रेड वाला है ही नहीं, चुपचाप बैठ के देखो वही बेस्ट है, सीखो आप जितना सीख सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी एक छोटी सी, होप आपको सारी चीजें समझ पाऊंगा मैं सही से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।